तो IPL 2023 अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और सभी टीम अपने अपने प्रैक्टिस सेशन में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और बहुत ज़्यादा तैयारियों में पसीना बहा रही हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पांच बल्लेबाजों की हु माइट टेक IPL 2023 बाय स्टॉर्म और अपने शानदार प्रदर्शन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपनी टीम के नतीजों में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये थोड़ी सी यहाँ पर प्रेडिक्शन वीडियो होने वाली है, सो आई एम सजेस्ट कि आप फटाफट से यहाँ पर चाय कॉफी लाकर के बैठ जाओ, पूरी तरीके से वीडियो को एंजॉय करो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज इसी तरीके का कंटेंट, मजेदार कंटेंट लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर वन बैट्समैन जो कि IPL 2023 में अपने बल्ले से बहुत ही तगड़ा तूफान ला सकते हैं इस शुभमन गिल फ्रॉम गुजरात टाइटंस। अब शुभमन गिल ने पिछले साल भी गुजरात टाइटंस के लिए कुछ अच्छी पारियां खेली थी जिनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मेरे हिसाब से नहीं मिला था। एक जो उन्होंने 95-96 रन की पारी खेली थी दिल्ली कैपिटल्स के सामने, दैट वाज अ फैबुलस फैबुलस इनिंग। लेकिन इस साल मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने प्रदर्शन को एक नॉच और ऊपर लेकर के जाने वाले हैं, बिकॉज अगर आप उनके हाल फिलहाल के वाइड बॉल स्टैट्स देखो तो कमाल के रहे हैं। उनका एवरेज भी तगड़ा है, लेकिन साथ ही साथ उनका स्ट्राइक रेट भी जानदार है। डबल 100 बंदे ने लगा दिया न्यूजीलैंड के सामने। तो इस साल मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा बेबाक अंदाज में आएंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और IPL 2023 में अपने बल्ले से तगड़ी तबाही मचाएंगे। सेकंड बैट्समैन हु माइट बी अनस्टॉपेबल इन द IPL 2023 इज हेनरी क्लासेन फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 करोड़ के आसपास की रकम हेनरी क्लासेन के ऊपर खर्च कर दी। उससे पहले उनके विकेट कीपर के तौर पर ग्लेन फिलिप्स को देखा जा रहा था, पिछले साल निकोलस पूरन भी उनके पास थे और बहुत खराब प्रदर्शन निकोलस पूरन का नहीं था, इनफैक्ट स्ट्राइक रेट तो उनका काफी अच्छा था, लेकिन बजट थोड़ा सा फ्री करने के लिए उन्होंने निकोलस पूरन को रिलीज किया और एक बहुत ही शानदार रिप्लेसमेंट उनकी जगह पर उन्होंने खरीद दिया है, दैट इज हेनरी क्लासेन। हाल फिलहाल में इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी वेस्ट इंडीज की कुटाई करके आए हैं, उससे पहले डरबन सुपर जायंट्स के लिए ऐसे T20 में भी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। और अब ऐसा मालूम पड़ता है कि ग्लेन फिलिप्स के ऊपर ही विल स्टार्ट एज अ विकेट कीपर बैट्समैन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। और जो सबसे बेहतरीन चीज उनके फेवर में जाती है वो ये है कि फास्ट बॉलिंग के साथ साथ जनाब स्पिन की भी खूब पिटाई करते हैं, विच इज अ रेसिपी फॉर सक्सेस इन द इंडियन प्रीमियर लीग। ऐसे में IPL 2023 में हेनरी क्लासेन इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। थर्ड बैट्समैन टू वॉच आउट फॉर इन द IPL 2023 इज रिंकू सिंह फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले साल रिंकू सिंह के साथ शुरुआत नहीं की, लेकिन जब उनको लेकर के आए रिंकू सिंह डिड नॉट डिसअपॉइंट देम, ही डिड नॉट डिसअपॉइंट अस। ना सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि ये खिलाड़ी फील्डिंग से भी आपके लिए मैच पलट सकता है। और जो आखिरी लीग मैच था KKR का LSG के सामने, उसमें हमने देखा था कि कितनी कमाल की बल्लेबाजी रिंकू सिंह ने की थी, एंड not be surprised अगर इनको as a finisher और as a death में pace hitter के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स इस्तेमाल करती है और कई match winning inning रिंकू सिंह खेल के देते हैं। अभी जो practice matches KKR खेल रही है उसमें भी रिंकू सिंह बहुत ही अच्छे touch में नजर आ रहे हैं। ऐसे में IPL 2023 में every team must watch out for रिंकू सिंह। Fourth batsman to watch out for in the IPL 2023 is यशस्वी जायसवाल from Rajasthan Royals। पिछले साल जॉस बटलर के खुमारी में हम ऐसा खोए कि यशस्वी जायसवाल के कंट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस साल ये युवा खिलाड़ी अपने कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करने के लिए सभी को मजबूर कर देगा और दस्तक देगा बहुत जोरों शोरों से इंडियन क्रिकेट टीम के दरवाजों पर। अभी हाल फिलहाल में डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रदर्शन भी इनका काफी अच्छा रहा है, अगर आप हालिया प्रदर्शन देखो, और इस साल लेफ्ट हैंडर है, अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे RR के, थ्रू आउट ट्रैवल करेंगे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी इनके लिए रहेगा और हमें भी थोड़ा सा और ज्यादा इनकी प्रतिभा देखने का मौका मिलेगा। ऐसे में यशस्वी जायसवाल इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द IPL 2023। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ बैट्समैन टू वॉच आउट फॉर इन द IPL 2023 इज सनराइजर्स हैदराबाद कैप्टन एडन मार्करम। अब सनराइजर्स हैदराबाद के दो बंदों को मैंने इस लिस्ट में डाला है, यानी कि आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग पेपर पर कम से कम सनराइजर्स हैदराबाद दिखाई दे रही है। अब तो साउथ अफ्रीका के T20 के कप्तान
पाकिस्तान भी एशियन मार्कर बन गए, तो थोड़ा सा छाती और चौड़ी हो गई है। ऐसे 20 जीत करके आ रहे हैं। यहाँ पर IPL में आपको कप्तानी का मौका मिला है, यानी कि आपके सितारे इस समय थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर एशियन मार्कर का बल्ला भी जमकर बोलता है। पिछले साल भी अच्छा प्रदर्शन था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो डिफरेंट सिचुएशन में उनकी बल्लेबाजी आती है। कभी जल्दी बल्लेबाजी आ जाती है अगर ऊपर से विकेट गिरते हैं, और कभी कभी 10 ओवर 12 ओवर निकलने के बाद बल्लेबाजी आती है, जो कि भारतीय परिस्थितियों में किसी भी विदेशी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा विकेट स्लो नहीं है, टर्न नहीं है, तो स्पिनर पर घुटना टेक टेक कर छक्के मारने की काबिलियत इस खिलाड़ी के पास है, और पेस हिटर तो ये कमाल के हैं ही। ऐसे में मुझे लगता है कि इस साल बतौर कप्तान अपनी टीम के लिए ये कमाल का प्रदर्शन करने वाले हैं, एंड इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द IPL 2023। तो अब इस पूरे लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या इन 5 बंदों के अलावा कोई और भी बल्लेबाज है हु विल टेक द IPL बाय स्टॉर्म इन द IPL 2023। मैं सिर्फ ऑरेंज कैप या फिर हाईएस्ट रन स्कोरर या फिर टॉप 5 रन स्कोरर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं मैच विनर की, इंपैक्ट जो मैच पर अपना छोड़ेगा, यानी कि जो अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की काबिलियत रखता है, जो मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाता है, जो अलग अलग वेन्यूज पर रन बनाता है। तो मेरे हिसाब से ये 5 खिलाड़ी इस साल गेम चेंजर होने वाले हैं, लेकिन आपका ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट जरूर हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। लेकिन उससे पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, बिकॉज इसी तरीके का कंटेंट लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। अगर आपकी कोई शिकायत हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।